जो सच है, व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, सनातन है। सनातन भी यही है कि हर बच्चा मां के पेट से ही पैदा होता है। अगर कोई कहता है कि फला मुंह से पैदा हुआ, फला बाहू से पैदा हुआ, फला जंघा से पैदा हुआ, फला पैर से पैदा हुआ, तो यह सरासर झूठ है, तथ्यहीन है, बेबुनियाद है, अव्यवहारिक है और अवैज्ञानिक भी है। यह सनातन भी नहीं। इसीलिए आपको सही चीज की जानकारी करके उसको मानना चाहिए। मैंने अभी दिवाली के दिन अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया कि अगर लक्ष्मी की पूजा करनी है तो अपने घर वाली की पूजा करिए। हमारे देश की संस्कृति भी यही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है उसी घर में खुशियां होती हैं, समृद्धि आती है, सुख शांति रहती है, अमन चैन रहता है, विकास का रास्ता भी वहीं से आगे बढ़ता है। और हमने पिछली भी दीपावली को और इस दीपावली को भी लक्ष्मी के रूप में अपनी ही पत्नी का यानी अपनी घरवाली का पूजा भी किया, सम्मान भी किया, क्योंकि हर घर की सही लक्ष्मी उस घर की घरवाली, वही घर का, वही घर को साफ सुथरा रखती है, घर के लोगों का लालन पोषण करती है, सुख समृद्धि लाती है और साथ ही साथ वही घर को चलाती भी है। तो घर की लक्ष्मी कौन? घरवाली। और हमने यह भी क्वेश्चन किया कि जब दो हाथ वाला ही बच्चा पैदा होता है, दो हाथ दो पैर, दो आंख दो कान, दो नाक एक सिर एक पीठ, तो चार हाथ वाला, आठ हाथ वाला, दस हाथ वाला, बीस हाथ वाला, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? भाई जब चार हाथ वाला बच्चा आप अस्पताल में जाते हैं, अगर किसी बच्चे को, किसी बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है तो पैदा होने के पहले या पैदा होते होते मर जाता है। किसी बच्चे के अंदर कभी छठवीं अंगुली निकल आती है तो उसको लोग अपशगुन मानते हैं, कहते हैं छंगुआ पैदा।